Hello guys, a very warm welcome for this particular video. And this video is targeted towards class 12 students who are preparing for JEE 2021. So, I have is requests that 2021 candidates prepare kare and what should be their strategy. Then, please sit back. The next 10 minutes are going to be very, very crucial in deciding how you should prepare for 2021. Before we move further, there are two courses which we guys are actively working for 2021.

superlative level of quality then please enroll in this particular batch, and you can pay just for this particular month only if you want to. Coming back to your problem, how do we strategize our 2021? So there are three possible cases which are there. Paper could get on time that is 10th of January. Ke pass. Case two could be it could be delayed that means it could be delayed by a month or it could be that there is only one attempt in the April which is the I would say not very popular or should not happen because obviously it is better that you get two times the opportunity to attack a paper. So I would say case two is the something which everybody would like that it happens, but we are not the best judge. So karna kya we should be prepared for the worst, and according to me, the worst situation would be when it happens as per the schedule because you will not be uh, ready because there are hardly four months and uh, since.

तो रिजल्ट नहीं आना है चाहे आप बारह घंटे भी पढ़ लीजिए इट हैज टू बी हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड इट हैज टू बी रैंडम स्टडीज नेवर एवर हेल्प राइट दैट यू आर जस्ट डूइंग टाइम वेस्ट सो फर्स्ट क्वेश्चन वी शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इज हाउ मच टाइम इज लेफ्ट एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दर्स केज सैनारियो के वेरी अनकंफर्टेबल जोन ऑफ फोर मंथ्स आई हैव रिटन जस्ट थ्री मंथ्स वॉट आर द सिग्निफिकेंस दैट इज नाउ यू हैव टू स्टार्ट नोटिंग इट डाउन

आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ गई है और आप दिन भर उसी के बारे में बैठे बैठे रो रहे हैं लीविंग योर प्रेजेंट दैट इज वॉट यू गैज आर डूइंग सो यू शुड नॉट डू इन वरी अबाउट क्लास इलेवंथ आई टॉक अबाउट सर्वर क्लास इलेवंथ का क्या करेंगे आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बट मोर इंपॉर्टेंटली क्लास ट्वेल्थ सिलेबस शुड बी फिनिश आइडियली इट शुड बी बाई थर्टी एथ ऑफ अक्टूबर बट वी आर गिविंग यू गैस डेज मोर सो दैट यू कैन कवर योर क्लास ट्वेल्थ सिलेबस एट अ रैपिड स्पीड क्लास ट्वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन थ्री पर्टिक्यूलर डोमेड अकाउंटिंग टू फिफ्टी टू फिफ्टीबस इट ऑल्सो हेल्प क्लास इलेवंथ बिलीव मी ये लगता नहीं है बट ये कैसे हेल्प करता है बहुत सारी जो आप class 11, 12th में पढ़ते हैं उनसे क्लास इलेवेंथ के कई कई क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट प्लस आपका यहां पर एक और क्या हेल्प होगा क्लटरिंग कम हो जाएगी क्लटर्ड क्लटरिंग गोज डाउन बिकॉज नॉ यू जस्ट को पहले क्लास ट्वेल्थ करना है ना इलेवंथ का सबसे ज्यादा डाउट है हम लोगों को सो so, हम लोगों ने यहां पर एक बार डाल ली थी शुड बी रेडी फॉर आर वर्स के सीनरियो अर्लियर वी

बेसिक लेवल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना होता है स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। आपको लगेगा सर ये इतना सारा कैसे हो जाएगा? हो जाएगा? जाएगा अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने की कोशिश करेंगे right? so, the day, the 11. Is, जिसको लात मार देनी चाहिए पर आप अभी भी आंसू बहा रहे हैं उसके लिए स्टॉप दैट राइट जोक्स अपार्ट स्टॉप मूविंग वरिंग अबाउट क्लास 11 क्यों इसके बारे में सोच सोच के आप सारा का सारा कुछ क्लास ट्वेल्थ का भी बैकलॉग बना देंगे जो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ इलेवे में थी वो प्रॉब्लम आप लोग ट्वेल्थ में भी मेंटेन कर रहे हैं दैट नो इंप्रूवमेंट एट ऑल इन यू आर डूइंग सो एवरीथिंग एवरी यू इंप्रूव ऑन अ डेली बेसिस दैट्स यू टू फोकस ऑन नेक्स्ट थिंग इज कंसेंट्रेट ऑन वॉट यू कैन एक्चुअली डू आप असलियत में क्या कर सकते हैं वो समझिए और अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एम आई रेडी For JE advance, am I ready? Is the big question. If you feel you are not ready, you should actually move to JE mains first. Prepare what you can actually get output from. It is not think ki like आप लगे हुए पागलों की तरह JE advance के लिए आप ना ही समझ पा रहे आप ना ही कुछ कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से भी क्या होंगे भाग जाएंगे eventually. So fix yourself to JE mains only. I might be wrong for some of the candidates here because few will still be able to manage this. top 10,000 people will still be able to uh, focusing on j advanced and that what we would, uh, we would say, but 9 lakh 90,000 out of those 10 lakhs who generally take the exam are people who are not really ready right now for j advanced so your focus should be more tilted towards j means, even if you have to prepare, uh, i would say 80 to 90 percent of your work should go to j8.1. 10 to 20 percent should go to j .A. advance if you think you still want to do it because the strategies for both the exam changes tremendously and we cannot cover the entire syllabus of j .A. advance when we have only 5 months to go so why i'm saying this the target is obtain a great percentile and then do wholeheartedly j .A. main so i'll just give you scenarios here so case 1 is upper j .A. main january yuva main jan और जो भी होगा फेब्रुवरी होगा मुझे नहीं पता आपका यहां पर आया नाइनटी नाइन परसेंट टाइम वॉट वुड बी योर स्टेट ऑफ माइंड यू बी सुपर हैप्पी आई हैव डन रियली वेल आपका इमेजियट थॉट क्या होगा अब तो मैं जेई एडवांस फोड़ूंगा सो नाउ यू विल बी ऑल हैप्पी सुपर हैप्पी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस नाउ सी टू दिस नाइनटी फाइव यू विल स्टिल गो फॉर जेई एडवांस आई एम डेम श्योर आई एंड आई वुड एग्री दैट यू शुड प्रिपेयर but you would not be that smiling face. You will be just confused face. Whereas if you get less than 90% third scenario, will you even think of JE Advance here? Some of you would think but with a very depressing smiley and let's say even if we go below ye cheech eventually will convert like this which obviously we do not want. So we want you to get into these at least these two phases राइट सो दैट आप ये वाला जो टारगेट है उसको अचीव कर पाए प्लीज बी प्रैक्टिकल टाइम डिसन द टाइम इज लिमिटेड यू हैव टू बी मोर एंड मोर प्रैक्टिकल एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ योर ड्रीम वर्ल्ड ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकाल के आप अपने को देखिए वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड वेन वी गेज आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल क्लियर चले सो अगर हम देखें विच बुक्स यू शुड सॉल्व देन दी नेक्स्ट बिग क्वेश्चन कम्स आउट सर विच बुक्स यू शुड सॉल्व आर टारगेट वुड बी ऑल आर गुड जो आप कर रहे हैं उसी करिए कोई नई बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बट जेई मीनस ओनली पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिए ज्यादा अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए स्पीड बढ़ाइए दैट इज वॉट यू शुड डू एंड देर शुड बी नो रैंडम पिकिंग मैंने आज कोई आपको कुछ नई बुक बता दी आप वो करने लग गए टॉपर ने कोई और बता दी किसी और यूट्यूबर ने कुछ और बता दी प्लीज डू नॉट डू दैट वॉट एव आई यूर डूंग जस्ट डू टू दैट देर इज अ प्रॉब्लम विद कोचिंग गाइज जो कोचिंग मटीरियल सॉल्व करते हैं

जगत रूल नहीं बनाना है कि सारी जी आर बी जी आर बी दो है इट्स अ गुड बुक एम टी जी पब्लिकेशन हाउस ऑल ऑफ देम आर बुक्स टू सॉल्व फॉर जेई मीन स्टैंडर्ड क्लियर गाइज सो प्लीज नो रैंडमनेस स्टे फोकस्ड डू वॉट यू आर डूइंग लाइब्रेरी नहीं बनानी है लाइब्रेरी बनी हुई है लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है हमें बनानी नहीं है लाइब्रेरी आपको लाइब्रेरी में बैठ के पढ़कर रिजल्ट निकालना है ना कि दूसरे लोगों को लाइब्रेरी अगले साल दान में देनी है जिससे वो रिजल्ट निकाल पाए आपकी बुक्स यूज करके कीप दैट इन माइंड सो टाइम अगेन टू रीट इेट टाइम इज एवरीथिंग दे इट लुक्स लाइक फाइव मंथ्स बट दे आर नॉट फाइव मंथ्स दे आर फोर मंथ्स सो मंथ्स आर देयर फॉर डू एंड डाई सिचुएशन आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ यू वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस आई अंडरस्टैंड सो इवन इफ यू आर टारगेटिंग एटी परसेंट सिलेबस दैट्स एब्सोल्यूटली फाइन स एग्जाम ऑल्सो विद एटी परसेंट ऑफ दिलेबस वेरी हाई रैंक प्रोवाइडेड आपका जो 80 परसेंट सिलेबस है इट इज वेल प्रिपेयर्ड इट इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड अगर ये वेल well प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे दैट इज वॉट टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन क्लियर सो नेक्स्ट फोर मंथ फर्स्ट टू एंड हाफ मंथ इलेवेंथ नहीं सोचना है 12th पे कॉन्सेंट्रेट करना है next one and a half or if lucky we get two and a half months then we will try to maximize on 11th and cover 80% of the syllabus with real real focus that's what you should do and that's what you should try to do uh, two active courses again just to tell you infinity batch j advanced batch j advanced problem solving is for algebra you can find the links in the description this is admission to this particular batch is by an admission test ज एडमिशन डिज विल बी ऑन टूडे ऑल्सो एंड टूमोरो ऑल्सो प्लीज गो आउट एनरोल इन टू दैट सी टू इट वेदर यू आर एलिजिबल अदरवाइज फॉर क्लास ट्वेल्थ सिलेबस डिफिनेट एरिया इन डिफरेंशियल इक्वेशन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द इन्फिनेटी बैच बिफोर वी गो कीप योर स्पिरिट्स हाई अभी हाई है मुझे पता है जब पेपर पास आता है तब स्पिरिट्स स्लो होती हैं बट अभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं अंडर प्लैंड हैं आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू बी बेटर प्रिपेयर टू बी बेटर इक्विप्ड विद वॉट माइड कम आफ्टर थ्री मंथ जब एक महीना बचता है ना तब हाईस्ट लेवल ऑफ एंग्जाइटी एंड हो जाता है एंड देन ओनली पीपल दोपल रियली वर्क हार्ड ऑलरेडी प्री प्लान एवरीथिंग आर एबल टू एक्चुअली क्रैक द एग्जाम बिकॉज रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट रैंडम दैट इज वाई पेपर फोड़ना है तभी हो पाएगा जब आप स्ट्रक्चर्ड हैं जब आप प्री प्लैंड हैं और आप फोकस्ड हैं वॉट इट गाइस डू लेट मी नो इन दमेंट सेक्शन दैट वॉट अदर प्रॉब्लम यू डू हैव वट आर द थिंग विच इज स्ट्रगलिंग यू फॉर योर टारगेट ऑफ जेई टू जीरो टू वन मैं अपनी अगली वीडियोज में उनको जरूर कवर करूंगा और आपकी प्रॉब्लम्स का एक पॉसिबल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा गॉड बेस्ट पेपर फोड़ना है ये याद रखिए और पढ़ाई करते रहिए सी यू द नेक्स्ट वेडियो